तो नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील सैनी। आगे दोस्तों आपके लिए एक और गेटेड सोसाइटी में आज हम टूर करने वाले हमारे 2 BHK, 3 BHK और 1 BHK अपार्टमेंट का। और दोस्तों यहां पे 4.5 एकड़ में फैली हुई सोसाइटी होने वाली है। अंदर ही आपको ग्रीन पार्क मिल जाएंगे, 2 डेडिकेट आपको ग्रीन पार्क मिलते हैं। अंदर ही दोस्तों आपको क्लब हाउस मिल जाएगा, ये आप क्लब हाउस की बिल्डिंग देख रहे हैं। अंदर ही आपको दोस्तों मार्केट मिल जाएगी, बड़ी बड़ी 45 फीट की ये रोड्स मिलने वाली हैं। ग्रीनरी बहुत अच्छी है, ये देखिए ये हमारी कमर्शियल मार्केट होने वाली है। ये ब्लॉक हमारा 3 BHK का आ जाता है, 2 BHK भी आपको मिल जाएगा और इसमें 1 BHK भी मिल जाएगा। जितनी दोस्तों घर रहने वाले सारे आपके बोथ साइड ओपन रहने वाले हैं। तो आप सोच ही रहे हैं, लोकेशन की बात करूँ, बिल्कुल हमारा चंडीगढ़ लुधियाना हाईवे के ऊपर है और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बिल्कुल यहाँ से पास पड़ती है। यहाँ पे रेंटल इनकम बहुत ज़्यादा रहती है। आपको दोस्तों 2 BHK का रेंट 25,000 और 3 BHK का 35,000 के आसपास आता है। 1 BHK की बात करूँ तो 15,000 के आसपास रेंटल आता है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप भी दोस्तों अगर रेंटल इनकम दोस्तों जनरेट करना चाहते हैं तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट के लिए बन जाती है। इसको ज़रूर चेक करें और दोस्तों हमें सपोर्ट करें, चैनल को जितना हो सकता है सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर बिना देरी करें चलते हैं इसके टूर पे। तो यह है दोस्तों हमारा 2 BHK का सैंपल, 122 गज में बना हुआ प्रोजेक्ट, रेरा अप्रूव्ड है। यहाँ पे आपको 2 BHK, 3 BHK, 1 BHK सारी इन्वेंटरी मिलने वाली है, रेरा अप्रूव्ड मिलने वाली है। एक फ्लोर पे 2 ही घर होने वाले, बिल्कुल आमने सामने और विद लिफ्ट मिलने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे सैंपल फ्लैट में। सबसे पहले देखिए 8 फीट का आपको डोर मिलता है, स्मार्ट लॉक दोस्तों इंक्लूड नहीं रहने वाला। और जो पूरा घर मिलने वाला है आपको सेमी फर्निश्ड मिलेगा। तो सबसे पहले हम अंदर आ जाते हैं, हमारा आ जाता है लिविंग कम डाइनिंग एरिया। तो आपको व्यू दिखाता दोस्तों बताता जाऊंगा क्या क्या इंक्लूड रहने वाला, क्या क्या नहीं आपको इसमें मिलने वाला। यहाँ पे आप देखिए, आप अपना ऐसे टीवी पैनल डिज़ाइन कर सकते हैं। और ये हमारा लिविंग और ये हमारा पूरा डाइनिंग एरिया है। और इसके मैं अगर साइज़ की बात करूँ तो इसका साइज़ रहने वाला है 20x12.6 का। तो देखिए बहुत अच्छा, बहुत बड़े साइज़ का आपको लिविंग कम डाइनिंग एरिया मिलता है। ये 2 BHK दोस्तों 122 गज में। नॉर्मली क्या होता है, बिल्डर आपको 110 गज में, 120 गज में 3 BHK बनाते हैं, बट ये आपको मिलने वाला है 2 BHK। तो बड़ा लग्जरी 2 BHK। और ये देखिए इसमें आपको वाईफाई सेंसर स्विच भी दोस्तों मिल जाएंगे। और सबसे पहले आपको इसमें फ्रंट में दोस्तों एक बालकनी मिल जाती है और UPVC के साथ मिलती है। और इस बालकनी की अगर मैं साइज़ की बात करूँ, इसका जो साइज़ रहने वाला है वो है 17x4 का। और यहाँ से अगर आपको कैमरा में दिखा दें, बिल्कुल ये लुधियाना हाईवे पे कनेक्टेड हमारी लोकेशन रहने वाली है, गेटेड सोसाइटी और बिल्कुल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के पास। अगर मैं 2 BHK की दोस्तों रेंटल की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 25,000 रुपये रेंटल भी मिलता है। रेरा अप्रूव्ड गेटेड सोसाइटी और 2 BHK, चाहे आपका 3 BHK है, बोथ साइड ओपन फ्लैट रहने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं फिर से हमारे घर के अंदर। और अब इस एंगल से देखिए आप इस पूरे लिविंग कम डाइनिंग एरिया का व्यू। पूरे घर में आपको स्प्लिट AC की प्रोविजनिंग मिल जाती है। और बात करूं आपके दोस्तों अगेन वॉशरूम की, तो आपको एक अटैच वॉशरूम मिलता है, जहां पे आपको दोस्तों बेडरूम के साथ तो मिलता है, ये आपको अटैच वॉशरूम हमारे गेस्ट के लिए मिल जाता है, ताकि आपको गेस्ट को आपके दोस्तों बेडरूम में जाने की ज़रूरत ना पड़े। और इस वॉशरूम का जो साइज़ रहने वाला है वो है 7x5 का। तो आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे आपकी वॉल एंड सीट आ जाएगी, आपका यहाँ पे दोस्तों वैनिटी इंस्टॉल हो जाएगी, सारी फिटिंग जो रहने वाली है सेरा ब्रांड की रहने वाली है, रूफ हाइट्स तक आपकी टाइल्स लगी होंगी और यहाँ पे आपको स्प्लिट AC की प्रोविजनिंग मिल जाएगी। जितनी दोस्तों आपकी सैनिटरी फिटिंग है वो सेरा ब्रांड की है और आपका जितना भी दोस्तों सैनिटरी वेयर है वो भी सेरा ब्रांड का रहने वाला है। तो सब कुछ आपको ब्रांडेड मिलने वाला है। और दोस्तों ऐसा घर, बड़ा घर 2 BHK, जहाँ पे आपको रेंटल भी 25,000 रुपये आता हो और बिल्कुल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के पास रहने वाला है। तो ये आ गई हमारी मॉड्यूलर किचन। और अगर मैं मॉड्यूलर किचन के साइज़ की बात करूँ तो इसका साइज़ रहने वाला है 9x7 का। तो सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे आपको एक पेंट्री एरिया मिल जाता है, आपको दोस्तों सिंक मिल जाएगा और बिल्कुल देखिए यू शेप में आपको किचन मिलती है। अप्लाइंसेस आपके इंक्लूड नहीं रहेंगे। यहाँ पे आपको विंडो मिलती है आपके वेंटिलेशन के लिए। और किचन देखिए बहुत अच्छी डिज़ाइन करी हुई सॉफ्ट क्लोजर के साथ। तो बड़े बड़े दोस्तों आपको कंपार्टमेंट मिल रहे हैं। और इस एंगल से भी देखिए आप, और यहाँ पे भी देखिए सारी किचन आपको सॉफ्ट क्लोजर के साथ मिलती है। ये वाला दोस्तों आप जो देख रहे हैं, आपको ये वाला पार्ट इंक्लूड नहीं रहने वाला, बाकी किचन आपको सेम एज इट इज़ ही मिलने वाली है। तो ये था हमारा किचन का व्यू।
तो जैसे जैसे दोस्तों आप देख रहे घर बहुत अच्छा डिज़ाइन किया हुआ, तो ये सबसे पहले हमारा आ जाएगा हमारा पहला बेडरूम। और इस बेडरूम की अगर मैं साइज़ की बात करूँ 13.6 × 10.6 का ही आपका बेडरूम रहने वाला है। और ये देखिए किंग साइज़ बेड लगने के बाद भी बहुत ज़्यादा स्पेस है। यहाँ पे आप अपना टीवी पैनल दोस्तों ऐसे आप भी डिज़ाइन कर सकते हैं। और इस बेडरूम से आपको रियर कोर्टयार्ड का एक्सेस भी मिलता है, ये आपको दिखाऊंगा बाद में। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस बेडरूम के हमारे वार्डरोब। अगेन रूफ हाइट्स तक आपको ये वार्डरोब मिलने वाले हैं। देखिए डबल सनमाइका लगा हुआ है, नीचे आपको शू रैक भी मिल जाएंगे। और इसमें भी देखिए रूफ हाइट्स तक है, स्टोरेज स्पेस अच्छी आपको मिल जाती है। और वही वॉशरूम दोस्तों जो आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था वो अटैच मिलने वाला है आपको इस बेडरूम के साथ भी। तो आपको दिखाता हूँ व्यू, ये देखिए यही वॉशरूम आपको अटैच मिलता है हमारे पहले बेडरूम के साथ भी। और यही हमारा अटैच है हमारे लिविंग कम डाइनिंग एरिया के साथ भी। तो ये हमारा आ गया, अगेन हम लिविंग कम डाइनिंग एरिया में आ गए। और यहीं से हमारा एक्सेस आ जाता है हमारे सेकेंड बेडरूम का। इसका जो साइज़ रहने वाला है वो है 13.6 × 11 का। तो ये देखिए दोस्तों एक अच्छे साइज़ का ये भी बेडरूम मिलता है। यहाँ पे आ जाएंगे हमारे वार्डरोब। और ये देखिए ये हमारे वार्डरोब रूफ हाइट्स तक अगेन है, स्टोरेज अच्छी मिल जाती है, नीचे आपको शू रैक मिल जाएंगे। और इस रूम को भी आप अगर दोस्तों अपना टीवी पैनल डिज़ाइन करना चाहें तो बिल्कुल आप एज इट इज़ ऐसा टीवी पैनल भी अपना डिज़ाइन कर सकते हैं। और बात करूँ आपके वॉशरूम की, इसके साथ भी आपको अटैच मिल जाता है आपको वॉशरूम। और इस वॉशरूम की अगर मैं साइज़ की बात करूँ, इसका साइज़ रहने वाला है 5.6 × 6.6 का। तो ये देखिए अगेन आपकी वॉल हैंग सीट, सारी फिटिंग इस वॉशरूम में आपको स्टैंडर्ड मिलने वाली है, जैक्वार और सेरा ब्रांड की ही। इसमें भी आपको वेंटिलेशन के लिए मिल जाता है दोस्तों बहुत बड़ी विंडो, एग्जॉस्ट की प्रोविजनिंग आपको करके दी जा रही है। तो ये था हमारा सेकेंड बेडरूम। इन दोनों बेडरूम से भी दोस्तों आपको एक्सेस मिलता है रियर कोर्टयार्ड का, जहाँ पे आप अपने दोस्तों वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया आपको बोथ साइड ओपन ही घर मिलने वाले हैं। तो ये आ गया हमारा रियर कोर्टयार्ड। और इस रियर कोर्टयार्ड की अगर मैं साइज़ की बात करूँ, इसका जो साइज़ रहने वाला है 5 × 20 का, तो एक बहुत बड़े साइज़ का आपको ये रियर कोर्टयार्ड मिलता है। बोथ साइड ओपन घर रहने वाले हैं तो बहुत अच्छी इन्वेंट्री बन जाती है। और दोनों रूम से आपको एक्सेस मिलता है हमारे रियर कोर्टयार्ड का। तो ये देखिए आप किसी भी रूम से इंटर कर सकते हैं। और यहीं भी हमें टैप की प्रोविजनिंग मिल जाती है, जहाँ पे आप अपनी वॉशिंग मशीन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये देखिए आपको टैप की प्रोविजनिंग। तो एक बहुत अच्छा घर 2 BHK 122 गज में बना हुआ। और दोस्तों अगर आप इसका ग्राउंड फ्लोर लेते हो तो उसके साथ आपको 300 स्क्वायर फीट का अलग से गार्डन एरिया भी मिलता है। तो जैसे हमारा 3 BHK में आपको गार्डन एरिया मिलता है, इसके भी 2 BHK अगर ग्राउंड फ्लोर लेते हैं तो उसके साथ मिलने वाला है। आप अपना प्राइवेट गार्डन बनाएं, गजीबो बनाएं, अपनी इवनिंग टी इंजॉय करें और चाहे दोस्तों ड्रिंक भी इंजॉय करो। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बिल्कुल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के पास। इसका रेंटल आपको मिलने वाला 25,000 रुपये। तो बिल्कुल मिस ना करें, आपकी स्क्रीन में नंबर चल रहे हैं, आप हमें कॉल करें, विजिट जरूर प्लान करें। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। हमारा दोस्तों व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टा पेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, वहां से जाके जरूर फॉलो कर लें। और इसकी सारी प्राइसिंग साइजिंग आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका सपोर्ट करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।